ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के बकरा मंडी में। आप यहां देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहां पर जो बकरे बिकने के लिए ये आए हुए हैं, ये तमाम अलग अलग राज्य से अलग अलग नस्ल के यहां पर बकरे बिकने के लिए आए हुए हैं और हर साल यहां पर ये बकरा मंडी लगाई जाती है और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। कितने यहाँ पर जो है गाले हैं बकरे के? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर लगभग 120 गाले और अभी तक 10,000 बकरे लाए गए। आज से 11 साल पहले माननीय आमदार जितेंद्र रावत साहब की सोच थी कि मुमरा कोसा के अंदर गंदगी, ट्रैफिक, बीमारी ना फैले और ट्रैफिक जाम ना हो, इसके जगह पे एक ऐसी मंडी बनाई जाए जहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग आए, जिसके लिए हम लोगों ने मेहनत करके सैदली भाई साहब, शमीम भाई, हम लोग सब जितने भी ट्रस्टी है, कमेटी इंतजामिया के मेम्बर लोग हैं, वो सब लोग हमारे यहाँ जितने भी सब ये सब मेम्बर लोग हैं, उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस मंडी को साथ दिया है। जैसे सादिक भाई है, आरिफ पतंग है, कलीम भाई है, व्यापारी लोगों में। कितने साल से ये मंडी लगाई जाती है और यहाँ पर जो बकरा बेचने के लिए लोग आते हैं तो ये किस किस राज्य से यहाँ पर आते हैं? ये मंडी को आज लगभग 11 साल हो गए और इस मंडी के अंदर हिंदुस्तान के सभी जगह से लोग आते हैं। अजमेर, अहमदाबाद, गुजरात, जालना, नांदेड़, महाराष्ट्र में हर जगह, महाराष्ट्र से भी आते हैं और हिंदुस्तान से भी आते हैं, अजमेर दूसरे स्टेट है वहाँ से भी आते हैं, सभी जगहों से यहाँ पे लोग आके अपने बकरे यहाँ पे बेच रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि आज देवनार के अंदर मंडी की हालत इससे ज़्यादा बारिश के कारण ख़राब है। हमारे शहर में भी पानी बना है, हमारी मंडी में भी कुछ दिक्कतें हुई, पत्रे तार पत्री उड़ गई थी, कुछ हो गए, क्योंकि हालात ऐसा था, तूफान आ गया था, बारिश आ गई, बाढ़ जैसा हालात थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज देवनार के कंपेरिजन में हमारी मंडी को आप देख सकते हैं कि हमने कोशिश की है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधा दे और उनकी समस्या जो वो यहाँ से देवनार जाके लेते थे मार्केट में माल, वो सारा माल, जो सारे बकरे अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग पैदावार, कोई अजमेरी है, कोई अलग अलग पैदावार बकरे, वो आपको सब यहाँ मिलेंगे। देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या ज़्यादा महंगे हैं बकरे या कम? इस साल ज़्यादा महंगे हैं बकरे। इस साल महंगे होने के कारण ये है के बारिश के कारण लोगों को अंदर लोग बकरे अभी जल्दी नहीं ले रहे और मार्केट में आ रहा जो माल है, आने वाला माल, वो कम हो गया है, क्योंकि सब जो शेर गुजरात उधर जो कई जगहों पे बाढ़ जैसे हालत है, रास्ते ख़राब हो गए तो माल आ रहा नहीं, लेकिन आज मार्केट डाउन हुआ है, आज से आने वाले दिन तक मार्केट डाउन रहेगा, मुमरा कोसा के लोगों को सस्ते बकरे मिलेंगे। यहाँ तक कि देवनार के कंपेरिजन में जहाँ पर लोग देवनार में जो बकरा लेते थे 20,000 में, वो मुमरा के अंदर 19,000 में मिलेगा, ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मेरी मालूमात है। मुमरा का बकरा मंडी है और यहाँ पर जो तमाम लोग अलग अलग जगह से बकरा बेचने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद कुरैशी। कहाँ से आए हैं आप? अमरावती। आपके पास जो बकरे हैं ये किस किस कौन कौन से नस्ल के हैं और क्या क्या इनके दाम? ये बुरहानपुर के नस्ल के, MP के है, अमरावती के, बावन बरार के, विदर्भ के है, इसके अंदर में बर्बरी नस्ल के है और बुल्डाना तरफ के बकरे हैं, सब तरफ के इसके अंदर जात में बकरे हैं, महाराष्ट्र के भी है। तो अभी क्या आपके यहाँ बकरों की जो रेट चल रही है, क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ? यहाँ हमारे पास जो है 15,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का बकरा है। 15,000 से लेके 50,000 तक। अच्छा, कुछ नाम वगैरह बकरों का रखा है आपने या सिर्फ ऐसे ही? हाँ, 2-3 बकरों का नाम है, किसका सोनू है, किसका जो पाला हुआ बकरा हमारे घर में उसका लालू है, एक का सोनू है, एक का राजा है, 4-5 बकरों के नाम है ऐसे। आप जब से यहाँ पर लगाए हैं तो क्या कितने बकरे आपके अभी तक बिक चुके हैं यहाँ से? हमारे अभी तक के यहाँ 25 बकरे बिक गए। हर साल आते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि हर साल ये बकरा मंडी में यहाँ मुमरा में आते हैं और अब तक इनके जो है करीब 25 बकरे यहाँ से ये बेच चुके हैं, महाराष्ट्र और बुरहानपुर, इनके तमाम जो है नस्ल के इन्होंने बताया कि इनके पास जो है बकरे मौजूद हैं और यहाँ पर मार्केट में हम घूमेंगे और देखेंगे कि आखिर इस मार्केट में कितने महंगे तक के बकरे हैं और कम से कम दाम में कितने बकरे यहाँ पर मिलते हैं। खा रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो बकरे हैं जिनकी काफ़ी इस मार्केट में चर्चा है, इस मंडी में चर्चा है और अब इस बकरे को लेकर इस मार्केट में काफी चर्चा है। क्या क्या नाम इनका? नाम ये बावन बराड़ का, ये अकोला का बकरा है,
क्या इसका दाम क्या लगा है? इसका दावन 92,000 रुपए लगा है दोनों बकरों का। 92,000 रुपए दोनों? हाँ। और अगर आप सिंगल कोई लेगा इसे, एक बकरा लेगा? एक 52,000 का, एक 40,000 का। ये व्हाइट वाला जो है वो 52,000 का, और ये जो है रेड व्हाइट इसका 42,000 रुपए। और अगर सस्ता बात करें तो सबसे सस्ता आपके यहाँ कौन सा बकरा? सबसे सस्ता 20,000 रुपए से कम नहीं है अभी। 20,000 से पूरे बकरे देख लो, व्हाइट बकरे हैं। और इसमें ये खासियत है कि जंगल का है ये अनाज, नहीं जंगल का चरा हुआ है। इसमें गोश होता है, इसमें चर्बी नहीं होती। ये 52 बराड़ बोलते महाराष्ट्र में अकोला जिला अकोले का बकरा है। आपके यहाँ जो ये बकरा लाए, ये कहाँ का बकरा है? ये अमरावती का बकरा है। ये बकरा अंडू है और इसकी कीमत 35,000 रुपये है। हमारे पास 18 से 20-30 तक बकरे हैं और अच्छे बकरे हैं हमारे पास में। आप कभी भी आके लेके जाओ। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर 18 से 20 हज़ार रुपये से शुरू होकर लगभग 92,000 तक जोड़ी तक का इस मार्केट में बकरे मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम और भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर कम से कम रेट में कितने बकरे हैं और किस तरह से जो है यहाँ पर कितनी और भी 92,000 से क्या ज़्यादा कीमत पे यहाँ पर बकरे हैं या नहीं। तो लिया है क्या बकरा? देख रहा हूँ, कोई थोड़ा मार्केट आज टाइट है, इंशाल्लाह देखो एक आध दिन क्या हो रहा है देखेंगे। फिर भी आप मार्केट में घूम रहे हैं तो क्या अंदाजा लग रहा है आपको? अब अंदाजा महंगा है या सस्ता है? अभी आज तो थोड़ा महंगे ही दिख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं अभी बकरे वाले भी बकरे लाए भाई, उनको नहीं कुछ मिलेगा तो भी हिसाब से जो है ये करेंगे। कितने तक आपका बजट? लगभग 40-45 में दो बकरे मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह ये कर ले। दो बकरे 41,000 रुपये दिया है जोड़ी। जोड़ी का 41? हाँ। क्या आपको क्या लग रहा है कि मार्केट डाउन है या कैसा है? नहीं ठीक है, मौसम के हिसाब से ठीक ही है। गए साल के मुकाबले थोड़ा 1,000-2,000 का तो फर्क होता ही है। अभी ये लोग भी व्यापारी है, ये लोग का भी लॉस नहीं हो, क्योंकि बकरे बीमार भी पड़ेंगे, इनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हिसाब से 1,000-2,000 रुपया ऊपर नीचे है। तो जिस तरह से हमने अभी तक आपको दिखाया है कि जो लोग जो खरीदार हैं उनका भी कहना है पिछले साल के मुकाबले कहीं ना कहीं जो है मार्केट थोड़ा डाउन भी है, और जो बकरे यहाँ पर हैं वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी महंगे भी हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और जो यहाँ पर अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगह से जो लोग यहाँ पर आए हैं बिक्री करने के लिए, हम उनसे यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। किस तरह की कहाँ से आए हैं भाई? अजमेर का बकरा है। हाँ अजमेर का। आप लोग अजमेर से आए? हाँ भाई, हम महाराष्ट्र के अजमेर की खरीदी हमारी। तो अभी आप मार्केट में यहाँ पर लगाए मंडी में क्या क्या रेट के आपके पास बकरे हैं यहाँ भाई? हमारे पास 26,000 का बकरा है, 28,000 का बकरा है, 30,000 का बकरा है। कम से कम रेट में आपके पास? कम के पास 13,000 रुपये का बकरा है, कम से कम उससे कम। अंडुल 8,000 वाला भी है। और सबसे महंगा अगर देखा जाए 26,000। ये बकरा है 32,000। कई वैरायटी के हैं ना आपके पास? अंडुल है। मुमरा की ये बकरा मंडी है और यहाँ पर लोग इस तरह से बकरे खरीदने के लिए आ रहे हैं। हालांकि आज जो है मार्केट थोड़ा डाउन ज़रूर बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो अलग अलग राज्यों से, राजस्थान, नासिक, इंदौर, रत्नागिरी, जो अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर बकरे बेचने के लिए आए हैं उनके अलग अलग बकरों के दाम हैं। किसी गाले में 20,000 से किसी गाले में 12-13,000 रुपये से शुरुआत हुई है, कहीं जाकर 92,000 तक की लास्ट यहाँ पर 92,000 में जोड़ी जो है बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस मुमरा की बकरा मंडी में जो ख़रीदार आ रहे हैं वो भारी पैमाने पर यहाँ पर आ रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों से बेचने के लिए आ रहे हैं उन्होंने भी बताया है कि उन्हें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है। बाकायदा वो हर साल यहाँ पर ऐसे बेचने के लिए वो आते हैं। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।